आपको ना अगर कुछ भी चीज़ पाना है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक प्लानिंग बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से तगड़े से रणनीति बनाना पड़ेगा, हर चीज़ को फेस करने की हिम्मत बनाना पड़ेगा और उससे सही चीज़ आपको सही डायरेक्शन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा, और नहीं भी चल रहा होगा तो आपको इस वीडियो के बाद से ही अपना पढ़ाई बेस्ट करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी मीन्स प्लानिंग को देखने वाले हैं कि आपको कब कब क्या करना है, कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट देखने वाले हैं, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम जो है तबाही तरीके से जाए और आप बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाओ और आप बहुत अच्छे से अच्छा नंबर्स जो है ला पाओ। तो चलो देख लेते हैं। इसके पहले अगर हम लोग कोई मैं आपको प्लानिंग बता दूं तो वो कब पूरा होगा, जब आप चाहेंगे, ठीक है। आप जब तक नहीं चाहोगे तब कोई कितना भी बड़ा प्लानिंग बता दे, कोई कितना इजी से इजी रास्ता बता दे, आप अगर वहां जाना ही नहीं चाहते तो आप कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, मतलब करना है क्लास 10th में जो है अच्छा सा स्कोर करना है, मतलब करना है, तभी आप लोग कर सकते हो, तभी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, वरना आपके लिए -% भी, -1% भी, 0% जो भी बोलो आपके लिए यूजफुल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि आप चाहते ही नहीं ना भाई कि आपको करना क्या है एक्चुअल में, 10th बोर्ड में बस जस्ट पास होना है कि क्या करना है। अगर आपकी सोच ऊंची है ना तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपकी मंजिल तक हम आपको पहुंचाएंगे, क्योंकि उसके लिए ही हम इस वीडियो में पूरी प्लानिंग देखने वाले हैं कि आपको कब क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको सबसे पहला काम, आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए भाई, टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको कितनी स्कोर करनी है, ठीक है, 95+98। अब जितना टारगेट रहेगा वहीं तक आप पहुंचोगे, अपने टारगेट से ऊपर आप कभी भी नहीं पहुंच सकते, इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहला काम जो है अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इतनी परसेंट जो है स्कोर करना है, एनी हाउ उसी के लिए आप लोग को मेहनत करना है, ठीक है, तब जाके आप हम लोग उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे, आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को क्या करना है, टारगेट फिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सोचो कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो और इसको करके आपको क्या मिलने वाला है, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगी आप गलती कहां पर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज आप टारगेट फिक्स कीजिए, ऊंचा रहेगा तो आपको सोचो ऊंचा, ऊंचा टारगेट फिक्स रखो और इस टारगेट को अपने सिर्फ सोचना बस नहीं है, सोच लिए, सोचने को तो बहुत कुछ आता है दिमाग में, अरे मैं ये करूंगा वो करूंगा, लाखों हजारों क्या क्या नहीं आता है, क्या हम सब में सक्सेस हो पाते क्या, नहीं। अगर आपको इसमें 100% करना तो इसको देना भी पड़ेगा 100%, आपको आपको टारगेट को टाइम देना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ जो है सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा, आपको जितना हो सके पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी स्मार्ट स्टडी, जिसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, आप लोग टारगेट फिक्स कर लिए होंगे तो इसको आप अपने रूम में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लिख करके चिटका दो, चिपका दो, जो भी है, ठीक है, चिपका के रखेंगे, तब आपको रोज देखोगे तो उस चीज़ को आपको याद आएगा, आप कभी अपने टारगेट से नहीं भटकेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसके लिए पहले प्लानिंग क्या होगा, क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए, ना भाई ना, हमारे पास बहुत कम टाइम है, देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस इतना गिने चुने देखो आप लोग, 6 महीना देख रहे हो, 6 महीने में भी आप जब तक वीडियो देख रहे हैं सितंबर का आधा दिन चला गया, देखते देखते सितंबर का चला जाएगा और इस अक्टूबर में ना आपका फटाका फोड़ने में गया, आपका फूट जाएगा, ठीक है, मींस दिवाली, नवरात्रि, दशहरा, सब कुछ अक्टूबर महीने में वो ले लेगा, ठीक है। बात कर ले फरवरी का, तो फरवरी में क्या मिड टाइम चला जाएगा आपका, प्रैक्टिकल प्लस प्री बोर्ड, इसमें चला जाएगा भाई, ये दोनों चीजों में जो फरवरी है, प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड में। तो टाइम कितना बाकी है, कितना बाकी है आप ही लोग बता सकते हो, देख पा रहे होंगे, सितंबर का आधा दिन गया, अक्टूबर का आधा दिन को मान के चलो खत्म आपका, आपको समझना पड़ेगा अक्टूबर का त्यौहार में ही गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना है जिसमें आपको क्या करना है, 3 महीना मतलब अगर 33 दिन का भी एवरेज माने, 30 30 30, और इसमें से मान लो 15 दिन, इसमें भी से मान लो 15 दिन, इसमें से मान लो 15 दिन आपके सेल्फ स्टडी के लिए, तो सोचो सिर्फ इतना दिन है, काउंट कर सकते हो आप लोग कि कितना दिन है, आपको खुद पता चल जाएगा कि एहसास हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम के पास आप कितने पास जाते जा रहे हो, ठीक है।
आपका मार्च में जो है बोर्ड एग्जाम होना है, वो तो फिक्स है, इसी टाइम में होगा, तो उस हिसाब से आप लोग अभी से प्लानिंग करते चलिए। अब देखो बीच में कुछ कुछ आ जा रहा है, जैसे कि हमारा मासिक आकलन, तिमाही, छमाही, वार्षिक, प्री बोर्ड, ये सब चीज आएगा, तो उससे कैसे करना है भाई? आपको आपका प्लानिंग करना है, ठीक है, कि मुझे अच्छा से स्कोर करना है, वो कर लिए, अच्छी बात है। अब उसमें करना कैसे, आपके पास 6 सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूँ उसको कैसे करना है, ये छूट नहीं रहा है, वो उससे निपटना कैसे मैं आपको बता दी हूँ। आपके पास 6 विषय है, हिंदी, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया, मैथ्स हो गया, और कौन सा हो गया, साइंस, और लास्ट में SST सोशल साइंस, ये 6 विषय। ये तीनों जो है आपका कैसे सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे लोग ज़्यादातर छोड़ते हुए चलते हैं। गलती यही होता है कि इसको छोड़ना नहीं है आपको, आपको पूरे को अभी से, आपका तिमाही होगा आपको पता है, तो आप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्यों वेट कर रहे हैं भाई? आप लग जाओ पढ़ाई में, दूसरे के भरोसे मत रहो कि आपको एक दिन पहले शाम तक किसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, बस उसी को पढ़ के जाएंगे या उसी में जो आंसर्स बताया जाएगा उसी को रख लेंगे अपने पास फिर लिख देंगे। इस धोखे में मत रहो भाई, आपको बोर्ड एग्जाम को टारगेट रखे हो तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयारी करो। ये सिर्फ जो है आप ये समझो कि मेरा ये छोटा 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 प्रॉब्लम्स है, तिमाही जो छोटा प्रॉब्लम है, अर्धवार्षिक आएगा वो उससे बड़ा प्रॉब्लम है, प्री बोर्ड आएगा वो उससे बड़ा प्रॉब्लम, मुझे इस प्रॉब्लम को फेस करना है, ये मैदान में उतरने वाली चीज़ है, क्योंकि आपको डायरेक्ट रणभूमि पर उतरोगे ना, डायरेक्ट आप सोचोगे कि बोर्ड पेपर में हो क्या, कि ये सब चीज़ फालतू चीज़ कराते हैं, हमें तो बोर्ड पेपर कराना चाहिए डायरेक्ट। अगर ऐसा करेंगे तो आप डायरेक्ट जाओगे ना, ताकि डर में कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ये सब चीज़ कराया जा रहा है। तो ये तिमाही जो है हमारा, ठीक है, तिमाही आपके लिए बेनिफिट है, आप लोग ईमानदारी से पढ़ो और उस चीज़ के लिए करो। तिमाही हो गया, फिर आपका आएगा हाफ ईयरली वाला आएगा जो अर्धवार्षिक है वो आएगा, फिर प्री बोर्ड आएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप लोग सीरियसली दिलाओ, आप लोग को पता है कौन से सिलेबस तक आएगा, कहाँ तक आएगा, सब चीज़ पता है। अगर नहीं पता तो आपको मैं क्या कर दूंगा, कहाँ कहाँ तक कब आएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, एक लिंक दे रहा हूँ PDF का, उस PDF को डाउनलोड कर लेना, आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपके तिमाही में आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर आपके इसमें आने वाला है, हाफ ईयरली में आने वाला है, तो आप लोग कंप्लीट उसको कर लेंगे, कम से कम उतना चैप्टर का तो आपको 100% तैयारी हो जाएगा ना, तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रख करके करो। और आपको क्या तैयारी तो करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या तैयारी करना है ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको दो चीज़ और, कहाँ पर है जगह हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, दो चीज़ और आप लोग रखो अपने पास, एक तो है सिलेबस भाई। सिलेबस क्या बताते हैं हमें कि आपको हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सिलेबस से पता चलता है, तो आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, आप जाओ प्रिंट आउट निकाल लो, उसी को पढ़ना है। वैसे सिलेबस नहीं करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि पूरी बुक को आपके पास 100% है, इसके पास हमारे पास है ना, तो सिलेबस नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट सिलेबस आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है जो है ब्लूप्रिंट, तो जो ब्लूप्रिंट होती है ये मस्ट, ये आपके पास ब्लूप्रिंट तो होना ही चाहिए। आप क्या करो, एक बड़ा सा चार्ट ले लो, जो 5 रुपीज़ वाला आता है वो खर्च कर लो, उस चार्ट में पूरे ब्लूप्रिंट को लिख लो भाई, बड़ा बड़ा सा, और अपने रूम में जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका दो, ताकि आपको हर एक चीज़ आपके माइंड में रहे कि मैथ्स से कौन से चैप्टर से 2 मार्क्स वाला आता है, कौन से चैप्टर से 3 मार्क्स वाला आता है, कौन से चैप्टर से 6 मार्क्स वाला आता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसे आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग सही से पढ़ाई कर पाओगे। अब बस पढ़े जा रहे हो कुछ नहीं पता, मतलब आपको वहाँ पर उतनी खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे सिलेबस, ब्लूप्रिंट, ये सब चीज़ अपने पास रखो, टारगेट फिक्स रखो, हर एक सब्जेक्ट को डेली टाइम दो। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग सितंबर में इतना चैप्टर कंप्लीट करो, इतना आपको पता है कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, तिमाही के लिए जितना है, सितंबर में तिमाही होने वाला है, तो तिमाही के लिए जितना आपके पास, कम से कम 5-5 चैप्टर भी करोगे तो आपके सिलेबस का 5 चैप्टर जो है 100% तैयारी होना चाहिए ना, तो आप करो भाई, आपका बोर्ड एग्जाम में फायदा होगी। वो बोर्ड एग्जाम के टाइम में आपको कुछ कुछ चीज़ें करना, जैसे कि आपको इस चैनल से क्या क्या मिल जाएगा, इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मॉडल पेपर्स का कराया जाएगा, ठीक है, मॉडल हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, क्वेश्चन बैंक जो है आपके सिर्फ और सिर्फ क्या के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे पिछले साल के बच्चों के लिए कराया जाए, और ये सब चीज़ तो आएगा। और अगला वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है, रणनीति। वो आपको हर एक विषय की रणनीति आएगा, रणनीति किस पे बेस्ड होता है, जो कि फुल्ली ऑन ब्लूप्रिंट पे बेस्ड होता है, और किस टाइप के क्वेश्चंस को करना है
ये आपको उससे पता चलती है। मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी बहुत से बच्चे जो हमसे पहले जुड़ चुके हैं उनको पता है कि रणनीति की वीडियो मैं आप ऑलरेडी भेज चुका हूँ, उसकी कमेंट को देखना कि कितनी यूजफुल है, बच्चे लोगों ने खुद बताया है। ठीक है, रणनीति से बहुत चीज़ जो है आसान लगता है, तो इसलिए आप लोग भी, आप लोगों के लिए भी रणनीति बनाया जाएगा एग्जाम से पहले पहले, तो आप लोग पहले पहले नहीं मतलब इसी में इतना करना है। ठीक है, और ये तो हुआ रणनीति आएगी, इस चीज़ का आप लोग विश्वास करके रखें, रणनीति की वीडियो जरूर आएगी। अब अगला चीज़ आपको क्या करना है, सिलेबस कम तक कब तक कंप्लीट कर लेना है आपको, कब तक अगर आप कंप्लीट कर लेते तो आपको अच्छा सजर अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देखो दिन सबको पता है, इसमें त्यौहार वगैरह सब चीज़ आएगा, इसमें सब में मासिक आकलन आएगा, छमाही भी आएगा इसमें, मे बी वो दिसंबर में हो सकता है ना, तो इसमें फिर भी इतना करते तक आपको जो सिलेबस है यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चार महीने हैं, चार मंथ में आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है पूरे सिलेबस को। ठीक है, जितनी भी सिलेबस आपको करना है वो 2022 में ही कर लो, 23 में सिर्फ आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर्स, ये सबको सॉल्यूशन कर करके देख लेना, क्योंकि जैसे 2022 आएगा आपका प्रैक्टिकल में चला जाएगा आधा टाइम, प्री बोर्ड में लगभग 15 दिन मान के चलो, है ना, वैसे ये प्रैक्टिस के लिए ही है, फिर भी ध्यान दिमाग में तो वो चीज़ें आती है ना बीच बीच में, इसलिए आप लोग सोचो कि आपको 2022 में ही अपना जो चैप्टर है जितनी भी सब्जेक्ट का सबको कंप्लीट कर लेना है। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है कि क्या ऐसे करे, क्या एप्लीकेशन करे, सबकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ रही है 1x1, है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ही मिलेगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो ताकि आपको पता भी चले कि कब कब आ रही है, क्या आ रही है। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ और वीडियोस आ जाती है तो उसका थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाता है, बीच में आपको वीडियो आ ही रहती है फिर भी पता नहीं चलता, बहुत लोगों के साथ यही होता है ना। और क्या कर लेना है आपको, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहाँ पर जितने भी PDFs हैं, नोट्स हैं, वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आई होप आप लोग के लिए वीडियो जो है यूजफुल रहा होगा, आप लोग अभी से अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ताकि सभी बच्चे को अभी से अपने टाइम पता चल पाए कि कितना टाइम बाकी है, कितना टाइम नहीं बाकी है। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो।